कंप्लीट 2.5 आवर्स हो गया सच का सेशन. यू कैन कमेंट डाउन बिलो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हेलो गाइज, दिस इज़ अनदर पोस्ट डे. ऑलरेडी आई हैव, मैंने एक शूट कर लिया है ऑलरेडी पोस्ट डे. तो ये बस सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट डे है, बट उस दिन क्या हुआ था कि थोड़ा मैं बेंच प्रेस जो आई थिंक सही से दिखा नहीं पाया था. तो आज थोड़ा बेटर एंगल में और थोड़ा लाइट भी आज अच्छा है. तो आई थिंक मैं और एक बार फ्लैट बेंच कर रहा हूँ. इंक्लाइन से मैंने स्टार्ट किया था. अभी सेकंड सेट, सेकंड एक्सरसाइज है मेरा फ्लैट बेंच का. पहला सेट ये वार्म अप होगा. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो ये पहला सेट है फ्लैट बेंच का. लिटिल बिट ऑफ आर्च रखना है आपको बैक में. फिर पुश, स्लोली नीचे जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, इतना तक पुश. पुश करते टाइम आपको फुल ऊपर जाना है. तो इसमें करीब 15 रेप्स आया. अब पहला वर्किंग सेट रहेगा, थोड़ा वेट बढ़ाते हैं. बीच में रखा हुआ है कैमरा, आई थिंक कोई टकरा जाएगा वहाँ पे. छोटा सा ही कैमरा है तो किसी को दिखता भी नहीं. एक दो बार चांस आया है टकराने का, बट बच गया मेरा कैमरा. ओ यार लग गया, सॉरी. सोया था मैं, अब शायद सही होगा. मुझे लगा कि थोड़ा जो पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ था. आई थिंक देखते हैं नेक्स्ट सेट में. तो उस दिन जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लगा मेरा बाल थोड़ा गड़बड़ था. तो बाद में मैंने जो वीडियो देखा मुझे लगा बाल भी गड़बड़ है, बियर्ड भी थोड़ा गड़बड़ था. थोड़ा थोड़ा सा साइज़ वाइज करके आया हूँ. तो ये है मेरा लास्ट सेट. एंगल गड़बड़ हो गया. ओके, लूब है हम लोग, थोड़े मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे. बार बार कैमरा सेट करना, सब करना है. पानी कहाँ से टपक रहा है भाई, ये क्या हो गया? पानी टपक रहा है नीचे, मैं ऊपर से थोड़ा एक्वेंटेड नहीं हुआ मैं इससे, इस मशीन से. तो साइज थोड़ा पता नहीं चल रहा मुझे, फिर वीडियो में पता चल जाएगा. लेकिन सही होगा, सही लग रहा है. थ्री फोर सेवन एट नाइन वन मोर. थोड़ा बीच में अटक गया, थोड़ा अगर मोमेंट में चला जाता ना तो हो जाता है क्रैक. मुझे समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट शोल्डर उठा हुआ है या फिर राइट शोल्डर नीचे झुका हुआ है. तर प्लेसमेंट है देखो, अच्छा अच्छा है जो, है जो. बस तो जैसे कि मैंने थोड़ा मशीन गड़बड़ है मतलब नया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने ट्रेनर को बुलाया, इट्स अ रियली नाइस गाय. तो अच्छा टिप है मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि अगर आपको ऐसे जो मशीन प्रेस है उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली बहुत सारे जिम्स में होते हैं ऐसे. सो जाना है, हाथ ऊपर करना है, थोड़ा आर्च रखना है और हाथ ऊपर करना है. अब देखना है कि हाथ
इस लाइन इसके हिसाब से आना चाहिए। अब जैसे कि आ रहा है, अब आ रहा है, हाँ मैंने आर्च किया हुआ है थोड़ा बैक, थोड़ा गैप है इसमें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, पावर लिफ्टिंग स्टाइल के जैसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। फिर नीचे ग्रैप करना है आपको, कोई भी ग्रिप ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, थंबलेस ले सकते हो, अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ क्लोज ग्रिप। और लिफ्ट करना आपको, फिर एल्बो स्लाइटली अंदर, तो ऐसा करना है आपको। जस्ट मैंने किया अभी 10 रैप, तो अभी कर नहीं पा रहा हूँ, 3 ही हुआ, बस दिखाने के लिए कि हाँ वो मेरे कैमरे के सामने खड़े हो गए थे तो आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैंने फिर से बनाया। तो एग्जैक्टली ऐसा करना है आपको। अच्छा डिपो, म्यूज़िक बहुत लाउड है अभी, म्यूज़िक लाउड होने से प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना और जब यूट्यूब में अपलोड करता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाता है उसमें, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब इसको क्या करें मुझे समझ में नहीं आता, अगर मैं मतलब बात करते करते वीडियो ना बनाऊँ और वॉइस ओवर दे दूँ तब हो सकता है चीज़, लेकिन उसमें क्या ना रियलिस्टिक फील नहीं आता है। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, माइक है यहाँ पे वायरलेस वाला, तो फील आता है वो, वहाँ पे कनेक्शन रहता है, अभी वॉइस ओवर में वो चीज़ नहीं होता है। तो अगर किसी को पता है कि इसको कैसे हटा सकते हैं, मतलब जैसे कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ तो वॉइस ओवर मतलब बैकग्राउंड का म्यूज़िक हटा नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वो साउंड भी कम हो जाएगा, तो कॉपीराइट क्लेम ना हो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं लूमा फ्यूज़न यूज़ करता हूँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और पर्टिकुलर उसमें अगर किसी को पता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें भी वही चीज़ है, आपको हाथ ऊपर करना है। आई थिंक ये जितने भी मशीन से इस टाइप के सब में काम करेगा, हाथ ऊपर लेना है और आपका जो आउटर पार्ट है वो रोड को टच करना चाहिए आपका। अब आपको नीचे जाना है, ओह शिट मैंने वेट एक साइड नहीं लगाया, अभी लगा दिया मैंने वेट, आई थिंक अभी 20-30-45 केजी वेट है। तो थोड़ा सा आर्च लेना आपको, पैर का पोजीशन आप वाइड रख सकते हो, पास रख सकते हो, मैं पास रख रहा हूँ, थोड़ा इजी लगता है मुझे पास में। अब लिफ्ट करना है आपको, एल्बो अंदर की तरफ प्रेस, ओह शिट थोड़ा हैवी हो गया, लास्ट एक्सरसाइज है तो उतना जा नहीं रहा, 9 reps का है, लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ, बट बिफोर दैट 8 reps तक सही था। तो ये लास्ट सेट है मेरा, मैंने एंगल बहुत ऊपर रखा है, तो मैं जब कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ लग रहा है जैसे कि मैं बहुत ऊपर देख रहा हूँ, अब सही लगेगा। ये लास्ट सेट होगा 50 kg का, आज मैंने जितने भी प्रेसेस लगाए हैं चेस्ट के, बी डिक्लाइन, फ्लैट, इंक्लाइन, सब में 50 kg तक गया हूँ, देखते हैं इस बार क्या होता है इसका। एक ड्रॉप ले लेते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है मेरा, जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक सेट में मैं लास्ट वाला ड्रॉप लेता हूँ, आज बाकी दोनों एक्सरसाइज में मैंने ऐसा किया नहीं है। हाँ एक में किया था, आई थिंक डिक्लाइन में किया था, बट फ्लैट में करना भूल गया। एनर्जी बहुत कम हो चुका है, एंड तक पहुँच गया मैं, अब आई थिंक चेस्ट इतने में रहने देंगे, जितने भी आइसोलेशन है दूसरे वाले पूछने पे करेंगे। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ ट्राइसेप्स कर लेता हूँ, सही से ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं किया, मेरे ट्राइसेप्स आई थिंक थोड़े वीक हैं, थोड़े नहीं बहुत वीक हैं, साइज़ बहुत कम है ट्राइसेप्स का मेरा, तो अभी ट्राइसेप्स ट्रेन कर लेते हैं फिर शोल्डर देखेंगे। तो ये था आज का पुश वर्कआउट, एक्चुअली मैं ये वीडियो मैंने एक्चुअली ऐसा शूट किया था कि पुश जितने सारे वर्कआउट है पुश के सारे एक साथ डालूंगा, जैसे कि चेस्ट हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, शोल्डर्स हो गया, लेकिन मैंने देखा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने ऐसे जब पूरा करके डाला पुश और पुल सारे मिला मिला के, तो क्या हुआ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 15-20 मिनट्स का वीडियो हो गया। अब क्या हुआ कि इतना लंबा कोई देखेगा नहीं, तो
तो मैंने सोचा इस बार वीडियो को सेग्रीगेट कर देते हैं, चेस्ट अलग रख लेता हूँ, ट्राइसेप्स और शोल्डर नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी दिन कवर को बट अलग एक वीडियो में डाल दूंगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट में जो आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो रहा हो, अगर गाली भी देना चाहते हो ना वो भी दे सकते हो, लेकिन अच्छे से लिखो वहाँ पे कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ऑडियो या फिर वीडियो, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है ना, मैं सब चीज़ को पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा सारे चीज़ इनकॉर्पोरेट करने को ताकि वीडियो आगे अच्छा बने। मेन एम है कि अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊँ। सो मिलते हैं, थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।